सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में चल रहे योजनाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनहित में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको और बेहतर बनाया जाएगा। ये बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का उस वक्त आया जब कांग्रेस के नेता उन पर कांग्रेस द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए आगे। पर इस बयान के तुरंत बाद ही राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के आदेश जारी हो गए। इस योजना के बंद होने से प्रदेश के 5,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी, तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की तरह नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। पूर्व सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करके युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा मित्र सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।